नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ TCL का 55 इंच का LED TV 4K टेलीविज़न, जिसमें फॉल्ट है कि पैनल जो है इसका वाइट है, बैकलाइट ऑन है लेकिन ग्राफिक नहीं आ रही है। तो मैंने इसमें चेक किया है, क्या क्या चेक किया है, कैसे कैसे इसको बनाया है, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, आगे आपको सारी जानकारी इसमें प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए, ये इसका मेन बोर्ड है, मदर बोर्ड है। ये इसका जो है प्रोसेसर IC है, ये इसका MMC है, ये MMC है, और ये इसका प्रोसेसर है। ये इसका जो है ऑडियो IC है, ये इसका ऑडियो IC है, ठीक है। और ये इसका जो है पैन का नंबर, आप देख लीजिए क्या पैन का नंबर। तो इसका जो पैनल है वो आपको 55 इंच का TCL कंपनी का खुद का पैनल लगा हुआ है इसमें, और सब कंपनी में अलग अलग कंपनी पैनल लगाती है, लेकिन ये TCL कंपनी का पैनल इसमें खुद लगा है। LVU550NEBL ये इसका पैनल का नंबर है। और ये इसका जो है ये SMPS सर्किट है, और ये इसका जो है वन साइड का स्केलर है, और ये इसका वन साइड का स्केलर है। तो ये देखिए, इसमें डबल स्केलर दिया हुआ है लेफ्ट और राइट। ये इसका FFC केबल होगी LVDS, और ये इसका जो है सिग्नल IC है ये, और ये इसका DC to DC IC देख लीजिए, ये DC to DC IC है। और ये जो है इसका CKV सिग्नल का ये IC है, CKV क्लॉक का वर्टिकल सिग्नल जो इसमें आउटपुट करता है। ये IC में जो है आपको फॉल्ट था, जिसके कारण जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है आपका रजिस्टर है, रेजिस्टेंस, ये कॉइल है, जम्पर कॉइल, तो ये बर्न किया हुआ था इसमें। इसके पीछे जो है रीजन था कि ये जो आपका CKV वर्टिकल सिग्नल IC जो है, ये इसका जो है शॉर्ट था, VGL जो है इसका VGH जो पिन है वो शॉर्ट हो गया था। VGH पिन शॉर्ट होने का कारण क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो जम्पर है 0 ओम का, तो ये CKV सिग्नल आउट करता है। CKV का आपका है फंक्शन कि इसमें जो है VGL, ये VGL पॉइंट है आगे वाला, और ये VGH पॉइंट है, ये दोनों जो है बारी बारी से ये आउट करता है। मीन्स लो वोल्टेज भी और हाई वोल्टेज भी, ये माइनस तक भी जाता है और प्लस हाई वोल्टेज तक भी जाता है ये CKV क्लॉक जो है, क्लॉक सिग्नल जो है, तो ये आउटपुट करता है। तो इसमें क्या था कि एक तरह का जो पैनल है वो आपका शॉर्ट था, इसी कारण वो CKV का जो डाटा IC है वो शॉर्ट कर गया था। तो ये मैंने इधर से इसको कट कर दिया, CKV जो है, CKV कट करने के बाद जो है फिर इसको मैंने दूसरा IC लगाया, चेंज किया, नया IC लगाया, तो ये CKV आउट करने लगा। इसको IC चेंज करने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बॉल IC है और सीमित संसाधनों से इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने चेंज कर दिया इसको। अब जो है पहले यहाँ पे जो था वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट बन रहा था, इस पॉइंट पे 12 वोल्ट प्रेजेंट था, इस पॉइंट पे जो है 12 वोल्ट प्रेजेंट था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे 28 वोल्ट प्रेजेंट है, इस तरफ भी जो है दूसरी तरफ भी 28 वोल्ट प्रेजेंट है, तो ये VGH वोल्टेज है। उसी तरीके से जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है ये माइनस में है आपका 45 वोल्ट, इस तरीके से धीरे धीरे घटते चल जाता है। दूसरे पॉइंट पे 31 वोल्ट हो गया, देखिए इस पॉइंट पे 31 वोल्ट हो गया, उसी तरीके से जो है इस पॉइंट पे 18 वोल्ट हो गया। तो ये है इसका, तो ये जो है CKV सिग्नल जो है था इसमें शॉर्ट था।